भक्ति करके देखो ना। मैं भी करूं तुम भी करो, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। हर विपदा दूर करे, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। संखेश्वर का नाथ निराला, संखेश्वर का नाथ निराला, भक्ति करके देखो ना। मैं भी करूं तुम भी करो, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। संखेश्वर जाएंगे, दर्शन पाएंगे, पार्षद प्रभु को दिल में बसाएंगे, पार्षद प्रभु को अपने भाग्य जगा देंगे, दुख संकट ये दादा पल में मिटा देंगे। करुणा भरी है आंखों में निकली, करुणा भरी करके देखो ना। मैं भी करूं तुम भी करो, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। हर विपदा दूर करे, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। माता पिता की सेवा करो। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है, पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, उस माता पिता के आंखों में कभी आंसू आने मत दो। ये पहले नंबर की चाबी जो अपन ने दिल के अंदर उतार दी तो जिंदगी के सभी समस्या के ताले खुल जाएंगे। आज दूसरी नंबर की चाबी है। देखना, जीवन में हर कोई जन्म लेता है इंसान। इस धरती पर जन्म लेने के बाद नीचे उतार, सुनो नीचे उतार, नीचे उतार, चले बाबा करो, वो जावे लियो है, चलो चलो चले।
रहने तुम्हें के साथ जुड़ के अपन संत भी बन सकते, तो कम से कम शादी करके जो पति पत्नी का रिश्ता है, दूसरे नंबर की चाबी जो पति पत्नी का रिश्ता है, उस रिश्ते के अंदर कैसे प्रेम से जीना वो आज आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन आज संसार के अंदर सभी के पति पत्नी के बीच में समस्याएं खड़ी हुई हैं। हाँ देखो, शादी के पहले तो जैसे सगाई करते हैं, शादी के पहले जिस लड़की के साथ अपने सगाई हुई है उस समय का प्यार देखो दोनों के बीच में, और शादी के बाद का प्यार तुम देखो। ये बहुत ही समझने जैसी है। अपन साधु नहीं बन सकते हैं तो पति पत्नी का रिश्ता जोड़ के दोनों के बीच में शरीर भले ही दो हो, लेकिन दोनों का मन एक होना चाहिए, तो ही संसारी जीवन के अंदर अपन अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। रिश्ता तो सबको जुड़ना आता है, बड़े हो गए शादी हो जाएगी जुड़ जाएंगे, लेकिन जिंदगी पर निभाना बहुत कठिन है। बहुत ज्यादा समस्याएं लेकर आते हैं, फिर अलग अलग धर्म स्थानों में जाते हैं, साधु संतों के पास में जाते हैं, भोपाव के पास में जाते हैं, मोरे बेयूरे जंतु ने बाबासी को करण, तो इसमें भूल अपन ने बहुत बड़ी भूल की है, उस भूलों को सुधारना है। आज का प्रवचन सुनकर एक दूसरे का मन को सुधारना है, एक दूसरे का जीवन को सुधारना है, एक दूसरे की भूलों को सुधारना है, तो पति पत्नी के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए ये सुंदर मजे का आज का प्रवचन सुन के हृदय में उतारना है। एक 22 वर्ष का युवान कबीरदास जी के पास में गया और जाके कबीरदास जी को चरणों में पड़ा और कहा कि महाराज मैं 21-22 वर्ष का हो गया हूँ, मेरे मन के अंदर कितने दिनों से विचार आ रहा है कि मैं साधु बनूं तो मैं सुखी हो जाऊं या फिर शादी करूं तो सुखी हो जाऊं, दोनों में से क्या बनूं तो मैं सुखी हो जाऊं। कबीरदास जी बहुत महंत पुरुष थे, बहुत ज्ञानी पुरुष थे। कबीरदास जी ने कहा कि बेटा पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा घूम कर आ जाते हैं। तो कहे चलो। वो लड़का कबीरदास जी के साथ में थोड़ा सा घूमने के लिए गया, तो कबीरदास जी के जो चेले थे वो टेकरी पर साधना करते थे, थोड़ी सी पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर उनके कबीरदास जी के चेले मारा घिनते तपस्या करते थे। उस टेकरी के पास में गए और कबीरदास जी ने अपने चेले को बुलाया, गए चेला नीचे आ, और कबीरदास जी का चेला फटाक से माला एक साइड में रखकर कबीरदास जी के चरणों में आया, नीचे उतरा और कबीरदास जी के चरणों में पड़ के जी गुरुदेव आज्ञा फरमाइए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कबीरदास ने कहा कि बेटा जो काम था वो भूल गया हूँ, जा वापस ऊपर जा और माला गिन के बैठ जा। वो ऊपर गया माला लेके वापस गिनने लगा, कबीरदास ने फिर से आवाज लगाई, अरे बेटा जल्दी नीचे आओ मुझे काम है। वापिस दौड़ के आया, जी गुरुदेव आपकी सेवा में हाजिर हूँ आज्ञा फरमाइए। कबीरदास ने कहा कि मैं वापस काम को भूल गया, जा वापस ऊपर जा। ऐसे कबीरदास जी ने अपने चेले को 5 बार ऊपर नीचे किया। वो लड़का विचार कर रहा है, 22 वर्ष का लड़का जो साथ में था वो विचार कर रहा है कि कैसे गुरु है ये, कैसे महाराज है, बेचारा चेला 5 बार ऊपर नीचे हुआ है और कहते मैं काम भूल गया, ऐसे भूल कर नहीं ये साधु महाराज। मन के अंदर कुछ रख दिया और उद्देश्य आगे चले कबीरदास जी। वो युवा उनके साथ साथ में चलते 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 12-1 बजा और वापिस घर पर आए। घर पर आके कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को कहा कि ए 2 कप चाय लेके आ, और कबीरदास जी की जो पत्नी थी वो चुपचाप चाय बना के दोनों को दे के अंदर चली गई। दोनों ने जैसे ही पिया तो चाय है ना एकदम खारी वक्त, कबीरदास जी तो मस्ती से पीने लगी और वो युवान विचार कर रहा है कि देखो ये चाय के अंदर शक्कर डालना सही है, उसकी पत्नी ने अंदर नमक डाला है, ये कैसे लोग हैं। उस युवान ने तो वो चाय को नीचे गिरा दिया और कबीरदास जी मस्ती से पीने लगा। थोड़ी देर हुई और कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया, ए जल्दी इधर आ, दौड़ती हुई आई, हाथ जोड़ के आगे खड़ी हुई और कहा कि बोली क्या काम है।
तो देख मुझे कागज लिखना है, मुझे दिखता नहीं है, इसलिए एक लालटन जला के लेके आ, दोपहर को 1 बजे बोरी भी पानी। वो पत्नी भी गई लालटन लेके चुपचाप उसके पास में रख कर चली गई। वो युवान तो एकदम अकड़ गया, अरे ये दोनों ही तो पागल है क्या। चाय के अंदर वो नमक डाल दिया और ये महाराज कहते मुझे दिखता नहीं है, वो बोरी व्यापार है 1 बजे ने। अरे उनने भूल के दी, उनकी पत्नी भी कैसी पागल है, देखो वो भी लालटन रख के चली गई। ए भाई ये पागल हटे, अपन कोई जवाब मिले को नहीं, हलो अभी तक घरे। वो युवान खड़ा हुआ, कभी जाने का, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, तो कह बस महाराज भी हो तो जाए रही। अरे तेरे प्रश्न का जवाब तो लिखे जा। कभी दादी उस युवान ने कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब आप दो तो मैं जाऊं। तो कि बेटा मैंने तेरा प्रश्न का जवाब मैंने तुझे दे दिया। कहाँ दिया है, नीचे बैठ मैं तुझे समझाता हूँ। तेरा प्रश्न था कि मैं साधु बनूं तो मैं सुखी हूँ या फिर शादी करूँ तो सुखी हो जाऊँ, यही था जी का। हाँ तो कि देख बेटा, अगर साधु बनना हो ना और सुखी होना हो ना, तो अपन गए थे घूमने के लिए, मेरे चेले ऊपर बैठे थे, मैंने मेरे चेले को जैसे ही बुलाया वो फटाक से दौड़ कर आया, मेरी सेवा में हाजिर हो गया। मैं क्या काम भूल गया तो वापस ऊपर गया। उसने एक भी कोई प्रकार की तकरार की, उसने कोई प्रकार की आर्ग्यूमेंट की, हाँ की नहीं की। तो कि बेटा 5 बार ऊपर नीचे किया तो भी चेला ऐसा ही विनय भाव से, विवेक भाव से, संस्कार से मेरी सेवा में हाजिर हो गया। अपने गुरु का कोई भी दोष नहीं दिखा रहा, कोई भी भूल नहीं बताई और गुस्सा नहीं हुआ। अगर साधु बनना हो तो पहले ऐसे गुरु का चेला बनना पड़ता है, तो साधु जीवन के अंदर सुखी होते हैं। साधु बन गए, दाढ़ी बढ़ा दी, मूंछें बढ़ा दी, भगवा पहन दिया और हम हो गए महाराज। एक थोड़ी का क्यों होगा, एक थोड़ी का दक्षिणा के मत दियो, एक देख जो कहा है फसे शराब देने देख थो। साधु बनना हो तो विनय भाव से गुरु की चरणों के अंदर साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, ज्ञान अर्जन करना पड़ता है और गुरु का सब कुछ सुनना पड़ता है। गुरु जैसा कहे वैसा, तो ही गुरु का चेला बनकर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। गुरु कहे कि ये कौवा सफेद है तो क्या कहने का, जी गुरुदेव सफेद है। ओपे बताओ का गुरु थोड़ा ओके मोती आई का देखा तो नहीं खाया, सीधा आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो बेटा संत बनना हो, साधु बनना हो, तो उसके पहले ऐसे गुरु का चेला बनना पड़ता है, तो इस साधु जीवन के अंदर आनंद लेते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। युवान के जी गुरुदेव आपकी बात एकदम सही। और बेटा अगर शादी करनी हो ना और सुखी होना हो ना, तो देख जब अपन घर पर आए, मैंने मेरी पत्नी के पास चाय मंगाई, मेरी पत्नी कुछ काम करती, उसने शक्कर के बदले में दोनों शक्कर नमक का डब्बा पास में पड़ा होगा, उसने भूल से शक्कर के बदले में नमक डाल दिया, उसने कोई जानबूझ के नहीं डाला, तो पत्नी ने भूल कर दी, तो पति का धर्म है उस भूलों को भूल जाना, उस भूलों को लेकर झगड़ा नहीं करना, तकरार नहीं करना, मारा मारी नहीं करना, ये पति का फर्ज है। पत्नी ने भूल की, मैंने स्वीकार लिया, मैंने भी भूल की, मुझे दिखता है ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, लेकिन पत्नी के अंदर कैसा भाव मैं तुझे बताना चाहता था। मैंने कहा कि मुझे दिखता नहीं, मुझे लेटर लिखना है, कंधे लेके आ, तो पत्नी ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया कि वादा हुआ का देखा तो नहीं खाए, बोला जी को नहीं, चुपचाप कंदिल रखकर लालटेन रखकर चली गई। तो कि जब शादी जीवन के अंदर सुखी होना हो तो एक दूसरों की भूलों को देखना भूल जाओ, तो ही शादी जीवन के अंदर, लग्न जीवन के अंदर अपन सुखी हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा या तो संत बनकर संसार के अंदर सुखी हो जाओ या फिर शादी करके। संत नहीं बन सकते, शक्ति नहीं है मुझे संसार छोड़ने का, अभी इतना मुझे पराक्रम नहीं कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा कि तू शादी करके अपने जीवन को धन्य बना, अपने परिवार को सुखी रख, समाज के अंदर अच्छा नाम कमा, अच्छे कर्म कर और इस जीवन को सफल कर। तो शादी का जीवन कैसा होना चाहिए, तो ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के अंदर ये विधि बनाई कि अभी तुझे शादी कैसे करना है।
संत बनना है तो उसकी भी विधि बनाई भगवान ने, और शादी करनी है उसकी भी विधि बताई है। उस विधि के मुजब जो संत जीवन जीता है तो ही परमात्मा को पा सकता है, और जो भगवान ने जो विधि बना बताई है शादी करने की, वो विधि से जो शादी जीवन करता है और उस तरीके से जीता है तो शादी जीवन का उसका जीवन सफल होता है। यहाँ पर जितने भी शादीशुदा बैठे हैं, आप साथ शादी करके बैठे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि शादी की विधि क्या है, है? हाँ बाबू कौन बताए बोलो, कहते हो माँ बाबा यहाँ पे चार फेरा फरा लिया है मैं लिया घरे। इसीलिए जीवन में है ना टकरार है। पहले के काल के अंदर शास्त्र विधि पहले अपने बेटा और बेटी को गुरु के पास में उसका समझन देते थे, ज्ञान देते थे, और उसके बाद में उसको शादी कराते थे। आज किसी को भी पता नहीं है कि लग्न जीवन की शादी क्या है, इसलिए जीवन के अंदर टकरार होती है, जीवन के अंदर ये छूटा छेड़ा होता है, घर टूटता है। बहुत जनों का घर टूट, मैं खाली इतने ही खाली प्रेम से कहूं, मैं हर जगह पर प्रश्न पूछता हूं और सभी का एक ही जवाब होता है, अनि जमारम थोने जो पत्नी मिली है, अनि जमारम थोने जो पत्नी मिली है, आवता जनों वाइस मरे तो है ली। ठीक है भाइयों का जवाब दो, दिल की जवाब दो, अब थोड़ा जो पत्नी मिली है आवता जमाल थोड़ा वाइस पत्नी मिले तो है ली के ना ना बाबी आने जमाल छोड़ बार तो कर। ऐसा क्यों होता है? ऐसे कोई भाग्यशाली जो शास्त्र विधि को जानते हैं, संस्कार जानते हो, उनका ही लग्न जीवन सक्सेस होता है। बाकी देखो सबकी मारा मारी है घर पर। हाँ शादी करने के बाद 6 महीना पति बोलता है, पत्नी हो रहे आराम की। हाँ 6 महीना हो दी पत्नी नहीं बोले हो, 6 महीना हो दी वो आगे घड़े बड़ा करे वो ये तो ये कमाता ना वटा गया था अतरो वे फौजी बनियो तो पुलिस बढ़िया तो ना वकील बनिया डॉक्टर बनिया सब बढ़ाई करी। 6 महीना होती पत्नी कतु नहीं बोले, बीजा 6 महीना आई गए पे पत्नी बोली पे आदमी हो भी खोल कटे सोरे हो दूध कटे भूखे कटे बस पे हम पड़ी। शादी के बाद 6 महीना पति बोलता है पत्नी सुनती है, दूसरा 6 महीना आता है पत्नी बोलती है पति सुनता है, और 1 वर्ष के बाद दोनों बोलते हैं पड़ोसी रामलाल सुनते हैं। ऐसी समस्या क्यों आई? तो जीवन में लग्न जो जीवन की जो विधि है वो आज मैं आपको थोड़ी बताऊंगा कि शादी की विधि क्या है, पति पत्नी के बीच कैसे प्रेम बढ़ता है। आज देखो जब किसी लड़का लड़की की सगाई होती है ना कितना ओवरफ्लो एकदम प्रेम हमें नहीं अत्र फूला है, इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम। कहते हैं कि शादी के पहले है ना वो लड़का अपनी लड़की को कहता है मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला के दूं, और शादी के बाद बाजार में आती भेड़िए लाने नहीं देते। इतना प्रेम दोनों के बीच में आहा। सगाई होती है एक लड़का और लड़की है ना घूमने के लिए अपनी पत्नी को कहा अरे खाली सगाई हुई थी घूमने के लिए, उसने कहा कि अरे शादी तो होने तो उसके बाद में जाएंगे घूमने के लिए, दोनों की शादी हो गई। इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम, जैसे शादी हो गई दोनों घूमने के लिए है ना कहाँ का टिकट लिया मालूम है खंडाला का ट्रेन रिजर्वेशन एकदम ऐसी ट्रेन उस लड़के ने बोले पत्नी भी अरे अत्र देखिए घर से हो गई इस पास ना ना था वास्तव तो मुझे सब कुछ करवा दिया अत्रो प्रेम ऐसी ट्रेन वो भी रिजर्वेशन लेके गया उसको पत्नी को। जैसे ट्रेन के अंदर गया ना और सीट के अंदर वो लड़का है ना रुमाल निकाला और सीट साफ करने लगा अपनी पत्नी को बैठने के लिए, और उसको ऊपर बैठाया इधर पे और उधर बैठा। चाय वाला आया चाय पीनी है ठीक ना 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 पी एक एक पी भी चाय पी रहा है। इडली वाला आयो इडली खानी ठीक ना ना अरे खाए खाए अरे अच्छा पिए खर्चे दिया अरे चिंता मत कर खूब पिया अपने को इडली खबरावे समोसा है समोसा खबरावे हाफ रोटी खबरावे आइसक्रीम खबरावे जी आवन वो सब खबरावे अत्रो प्रेम आहा। फिर गए खंडाला खंडाला पुमा
और उधर होटल के अंदर उन्होंने रिजर्वेशन किया होटल के अंदर। अरे अतरो खर्चा करो नहीं, अरे चिंता मत कर, फाइव स्टार के अंदर रहेंगे, फाइव स्टार होटल के अंदर उतरे और बहुत महंगी महंगी डिश उनको खिलाई। फिर उधर से घूमने के लिए गए, जंगल के सीनरी थी ना उधर घूमने के लिए गए और घूमते देख कितनी जबरदस्त इधर फोटो खींचते हैं, तो कि चल तू थोड़ा आगे जा मैं तेरा फोटो खींचती हूँ। और वो लड़की उसकी पत्नी पीछे पीछे जा रही है, और थोड़ा पीछे जा, बहुत अच्छा आ रहा सीन, बहुत अच्छा फोटो आएगा। और ऐसे करते करते उस लड़की के पैर में कांटा चुभ गया। वो कहे ओ माँ, अरे उस लड़के ने वो मोबाइल भी फेंक दिया और उसके जब पास में जाके उसका पैर गोद में लिया और फूंक मांगने लगा। इतना प्रेम अभी वही उनका है ना, एक वर्ष पूरा हुआ, दो वर्ष पूरा हुआ। एक दिन पत्नी ने कहा हेलन खंडाला जाओ, बोझल पे पिया कटाई, अरे ये क्या करो, ये बीती ना भरा हुई भैया, एक दिन दफा जाओ बोझल पे, कोई खंडा जानो कड़ी जानो है। पत्नी रोज कहने लगी, रोज कहने लगी, वो कंटाल गया। उसने खंडाल जानो जी कहा, टिकट ले दू लोकल ट्रेन को, बोले हाँ भीड़ वो कनमा की जाइयो कनमा जानो पड़ी कटे भी आटे लोकल ट्रेन लोनी सरावी आ भीरा बस्ती बेवाणी जी क्या नहीं सपा कंटोनी छह बार आइयो जीवन की वो एक साथ फिर बस अभी खादो करी साफ पीने आटे उबे तेरे एक तरह साफ पीने था रे જે પણ નાસ્તા આવે લોન પત્ની લોગે પણ ખબર આવે છે બસ એક ખાધુગરી ખાધુગરી બનને કા રિશ્તા હો તો એસા ભગવાન ને ક્યા જોડી બનાઈ હૈ એસી જોડી હોની ચાહીએ તો હી જીવન સફળ હોતા હૈ એસા હર જગહ પર અપના નામ હોના ચાહીએ એસા અપન જીવન બના કે હોતે હૈ કે અપને પડોસ વાલે ભી કંટાળ જાતે હૈ પડોસ વાલે ભી ऐसा जीवन मत बनाओ कि मनुष्य जीवन कोई बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनि के अंदर भटकने के बाद ये मनुष्य का अवतार मिलता है और ऐसे ही मोह माया के अंदर झगड़े के अंदर क्लेश के अंदर तेरा मेरा करके जो जीवन को बिगाड़ लेंगे ना फिर भगवान कहेंगे तुमको ये मनुष्य अवतार देने जैसा है ही नहीं। अरे तुम एक घर के अंदर तुम दो पति पत्नी रहना नहीं आया तो तुम लोगों के पास में तुम कैसे रह सकोगे, तुमको स्वर्ग के अंदर कैसे तुम रह सकोगे। इसलिए तुमको इस मनुष्य अवतार के अंदर तुम्हारा कुछ काम नहीं है, कभी मनुष्य अवतार अपन को नहीं देंगे। तो शादी की विधि क्या है, कौन सी विधि से अपन अपने जीवन के अंदर जिए तो पति पत्नी के बीच सुंदर मजे का व्यवहार होता है। तो सबसे पहले दरेक समाजों के अंदर अपने भारत की संस्कृति थी कि जैसे अपनी बेटी और बड़ी होती हैं, माँ बाप का कर्तव्य होता है, एक पशु पक्षी भी अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए बहुत ही सुंदर मजे का ध्यान रखते हैं। आपने पक्षी को देखा होगा, कबूतर चकली आपने देखा होगा कि जब तक उनके बच्चे होते हैं ना तब तक उनकी माता उनके पिता उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और जैसे उनके पंख आते हैं ना फिर उड़ जाते हैं। जब तक पंख नहीं आते तब तक उनके घोंसले में रहते, उसे मारे में से उनको बाहर जाने नहीं देते क्योंकि बाहर गया तो कोई कुत्ता या बिलाड़ी खा लेगा। इसलिए पशु पक्षी भी समझते हैं कि अपने बेटा और बेटी को आकाश में उड़ाना है तो जब तक पंख ना आए तब तक उनकी रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो मनुष्य अवतार के अंदर भी अपने बेटा और बेटी उनको जब तक उड़ने का पंख ना आए, पंगन मैं पोखरों बात नहीं करता हूँ, जब तक उनके जीवन में संस्कार ना आए, संस्कार रूपी पंख कि क्या खाना चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किनके साथ कैसा बोलना चाहिए, कैसे खड़ा रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये माँ बाप का कर्तव्य है तुम्हारे बेटा बेटी को जीवन सुखी करने के लिए। जब तक उनके संस्कार का पंख ना आए तब तक उनको कहीं भी जाने नहीं देना चाहिए। तो माता पिता अपने बेटा बेटी को संस्कार से बड़े करते हैं, पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं और जैसे बड़े होते हैं ना माता पिता को चिंता होती है कि अब बेटी की शादी कर ले, बेटी की शादी कर लेते हैं। तो आप जैसे आपकी बेटी और आपके बेटा बड़ा हो जाता है
तो आप जब ये देखने के लिए जाते हो, समझो कि आपका बेटा बड़ा हुआ और बेटी को देखने के लिए जाते हो, लड़की को देखने के लिए जाते हो, तो ईमानदारी से बताना उस लड़की के अंदर क्या देख के आते हो। यहाँ पर जितने माँ बाप बेटे हैं, अपनी बेटी को लाड़ प्यार से बड़ा किया है, पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, तो अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने जाते हो तो उस लड़की के अंदर क्या देख के आते हो ये बताओ। कहा देखना हो बोलो, क्या देख के आते हो? हाँ, अन्य अच्छा घर है, अच्छी पड़ियोरी है, अच्छी सुंदर है, मोबाइल हिलाने आवे है, स्कूटी हिलाने आवे है, उस देखे ना हो, उस देखे ना हो। इसीलिए जीवन में है ना, ये घर में टकरार क्यों होती है, अपन बाहर का देख के आते हैं लेकिन उनके संस्कार, उनके गुण देख कर नहीं आते हैं। जो माँ बाप अपने बेटे के लिए लड़की के अंदर गुण और संस्कार देख के आते हैं ना, तो तुम्हारे बेटे की जिंदगी सफल हो जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बेटी को, बेटी के अंदर क्या गुण देखना चाहिए। बेटी के अंदर दो प्रकार का गुण देखने का, कोई कौन है थोड़े तो जीवन में अपनी बेटी, बेटे के लिए बेटी देखने जाओ तो आपके बेटे की जिंदगी सफल करनी है, आपके बेटे को सुखी करना है, आपके घर को स्वर्ग बनाना है, तो उस बेटी के अंदर दो संस्कार देख लो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। नंबर एक, उस बेटी को अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार है, उस बेटी का उसके माँ के साथ में कैसा व्यवहार है, कैसा उनका बोलना है, कैसा उनका आदर करती है, कैसे उनका सत्कार करती है, उसके साथ कैसा बोलना जुलना है। जो बेटी अपनी माँ के साथ में उसको बोलना ना आए, माँ के साथ में अच्छा व्यवहार करना ना आए, माँ के साथ में अच्छा वर्ताव करना ना आए, तो क्या वो बेटी सासू की कभी विनय विवेक करेगी, उसका आदर करेगी? कभी नहीं करेगी। उस बेटी को अपने माँ के साथ में कैसा व्यवहार है, ये गुण देखो बस, और फिर उस बेटी की दोस्तानी कैसी है, उनकी सखी सहेलियां कैसी है, उसकी फ्रेंड कैसी है, ये इंक्वायरी करो। क्योंकि जिस लड़की की फ्रेंड खराब है, वो लड़की भी खराब होगी, उसका जीवन भी खराब होगा। और ऐसी लड़की जो आपके घर में आई, तो आपके घर को स्वर्ग बना हुआ नरक बना के जाएगी। हाँ, एक देखने के लिए गए लड़के वाले, देखने के लिए गए और उसने, पिता ने पूछा उस लड़की को, बेटा तूने कुछ धार्मिक पुस्तकें कोई पढ़ी है, कुछ कथा पता कोई पढ़ी है? उस लड़की ने कहा, ससुर जी रामायण तो इधर सुन लो, माँ भात बटा हबरा। हाँ, पर माँ भारत पर हबरावा रहे हो बसे। तो जीवन में आपके बेटे की जिंदगी सफल करनी हो, बाहर से चेहरा मत देखो, बाहर से घर मत देखो, वो कितने पढ़े लिखे वो भी मत देखो, बस उसको अपनी मम्मी के साथ में कैसा वर्ताव है, कैसा विनय विवेक करती है, उनके साथ कैसा बोलना जुलना है, और उसकी फ्रेंड कैसी, उनका दोस्तानी कैसी है, ये दो गुण देख लो। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, आपके घर को वो स्वर्ग बना देगी। इसलिए यहाँ पर जितनी भी बेटियाँ बेटी हैं,